Good morning, students. How are you? Hope you will be fine at your home. As you know, I am your Hindi teacher Farhana Khan and today I want to talk about class 8. Class 8 में start करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ information share करना चाहती हूँ जो कि हमारे ध्वज से हमारे तिरंगे से related है. स्टूडेंट्स, हमारे ध्वज के निर्माता का नाम पिंगली वेकैया है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर भी लिख रखा है, पिंगली वेकैया है. इन्होंने हमारे ध्वज के निर्माण के लिए उन्होंने पहले कौन से रंग को इस्तेमाल किया था? हरे और लाल रंग, जो कि भारत के दो बड़े समुदायों हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया. और गांधी जी के सुझाव पर इन्होंने इस झंडे में अन्य समुदायों के प्रतीक सफेद रंग की पट्टी और लाला हरदयाल, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सुझाव पर विकासशील देश की निशानी चरखे को जगह दी. स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ समय बाद चरखे की जगह अशोक स्तंभ यानी धर्म चक्र, जिसको हम धर्म चक्र भी कहते हैं, को जगह दे दी गई. कुछ समय बाद ध्वज में लाल रंग की जगह केसरिया को जगह देते हुए 1931 को कांग्रेस ने आधिकारिक ध्वज घोषित कर दिया. स्टूडेंट, इस तरह से हमारे ध्वज का निर्माण हुआ. किस तरह से हमारे ध्वज में कलर ऐड हुए, किस तरह से चरखे की जगह धर्म चक्र को दी गई, मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. आई होप आप लोगों को तिरंगे के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन जानकर अच्छा लगा हो. स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर. हमारा चैप्टर है हिंद देश का झंडा. स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये पंक्ति पढ़ी होगी, आप लोगों के मन में आया होगा, ये तो आप लोगों के सुन रखी है आप लोगों ने. जी हाँ, ये आप लोगों का वही ध्वज गीत है जो कि आप लोग इसे किसी राष्ट्रीय पर्व पर गुनगुनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा. केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है हर पल आगे कदम बढ़ेगा. स्टूडेंट्स, प्रत्येक भारतवासी, हर एक इंडियन को अपने झंडे, अपने तिरंगे पर गर्व होता है, और इसे ही देखकर कवि का मन उमंग से भर जाता है और वो अपने झंडे को, अपने तिरंगे को लेकर अनेकों संकल्प करने लगता है, अनेक संकल्प करता है कि उसका झंडा सदा ऊंचा रहेगा. और वह अपने झंडे की कुछ विशेषताएं भी बताता है और अपने झंडे को हर कोई भारतवासी, हर कोई इंडियन चाहता है कि उसका झंडा ऊंचा, हर शिखर पर ऊंचा लहराता रहे. इसी को उसने अपने गीत का रूप दिया है. हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा. केसरिया बल भरने वाला, इसमें केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, केसरिया रंग बल भरने वाला, यानी केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शक्ति और ताकत का. सादा है सच्चाई, इसमें सादा सफेद रंग को कहा गया है. सादा हमारा शक्ति, शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है. हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हरे रंग को हमारे देश की उपजाऊ विकासशील पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व करती है. हरा रंग क्या करती है? हमारे देश की उपजाऊ विकासशील पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व करती है. और चक्र कहता है हर पल आगे कदम बढ़ेगा. और चक्र कहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है चक्र के बारे में, और अशोक चक्र हमेशा, अशोक चक्र में आप लोग देख रहे होंगे तिरंगे में ब्लू कलर में 24 स्पोक्स होती हैं, 24 तीलियां होती हैं. हर तीली का अपना अलग महत्व होता है और ये हमें आगे बढ़ने का संदेश देता है. ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा. नहीं चाहते हम औरों को अपना दास बनाना, नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा ही बहेगा. नहीं चाहत है कि हम औरों को अपना दास यानी अपना गुलाम बनाकर रहे. नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खाना, नहीं चाहते कि हम दूसरों का हक अपने, मतलब अंडर कर लें, हड़प लें, न हमें चाहत नहीं है. सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा ही बहेगा. सत्य न्याय के लिए, सच की लड़ाई के लिए, सच को न्याय दिलाने के लिए हमारा लहू सदा, हमारा खून हमेशा ऐसे ही बेहतर रहेगा. और ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हमारा झंडा, ऊंचे शिखर पर ऐसे ही लहराता रहेगा. सागर पर लहराए झंडा, पर्वत पर फहराए, जहां कहीं भी जाए झंडा यह संदेश सुनाए. हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा. कवि ने, स्टूडेंट्स,
आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया हो हिंद देश का झंडा और हमारे इस हमारे झंडे का किस तरह से निर्माण हुआ, किस तरह से इसमें कलर ऐड हुए और किस तरह से इसे गीत का रूप दे दिया गया। स्टूडेंट्स, मैंने इसके ही रिलेटेड आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज पूछना चाहती हूँ। झंडे के ऊंचे रहने का अर्थ है लंबाई अधिक होना या सेकंड स्वाधीन रहना। सेकंड है हर पल आगे बढ़ने का संदेश देता है, झंडा देता है या चक्र देता है। थैंक यू।